बेगूसराय में भी कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने एनएच 31 और एनएच 28 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के बस स्टैंड के निकट राजद, वामपंथी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनएच 31 को जाम किया। जाम के दौरान एनएच 31 पर वाहनों की कतार दोनों तरफ लग गई, जिससे यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्री सर पर सामान उठाकर पैदल जाते दिखे। जाम कर रहे नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दमन करने का काम कर रही है, जबकि किसान कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और विपक्षी दल के नेताओं उसका समर्थन करते रहेंगे। नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि बिल काला कानून है, इससे किसानों को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। केंद्र सरकार अडानी और अंबानी के हाथों में खेती को गिरवी रखने के लिए इस तरह का काला कानून लाया है, जिसे हर हाल में वापस लेना होगा। पूरे देश में किसानों ने तीन केंद्रीय कानून जो बना किसान विरोधी, उसके खिलाफ पिछले दो ढाई महीने से लगातार संघर्ष में, 26 तारीख को भी संघर्ष हुआ, उसके बाद के काल में भी संघर्ष हुआ, किसान के लगातार आंदोलन जारी है। वही किसान जो भारतीय किसान संघर्ष समिति है, उसने आज आह्वान किया, चूंकि सरकार इसको एकांगी बताना चाहती है, यह आंदोलन एक क्षेत्र विशेष का है, यह आंदोलन पूरे देश का है, देश के किसानों का है, और इसलिए देशव्यापी चक्का जाम का फैसला है। बिहार के अंदर चूंकि एग्जाम विद्यार्थियों का हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कुछ समय में छूट दिया है और छूट दे करके उस चक्का जाम के साथ हम लोग मैदान में। ये कृषि कानून जो तीन बने हैं, वो किसानों की पूरी जो आमदनी है उसको खत्म नहीं करेगी, बल्कि खेती ही खत्म कर देगी। कॉरपोरेट के हाथ में खेती को सौंपने के लिए, कॉरपोरेट के हाथ में किसानों की पैदावार का मनमानी मूल्य वसूलने के लिए, और गोदाम बना करके जखीरा में जितना करोड़ टन रख सकता है रखने की छूट दे करके इसने एक तरफ कॉरपोरेट घराना अडानी अंबानी को मजबूत करना चाहता है, दूसरी तरफ देश के किसानों को बर्बाद करना चाहता है, जिसको बिना वापस लिए हुए किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा आज आह्वान किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो तीन खतरनाक कृषि बिल जो लाया गया है उसको वापस करने के लिए आज जो है संपूर्ण बिहार से लेकर पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम तय किया गया है। किसानों के द्वारा आज पूरे भारत में चक्का जाम किया जा रहा है, जिसके समर्थन में हम तमाम विपक्षी पार्टी के गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनके समर्थन में सर को बढ़ाए हैं।